केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। महाकामा प्रखंड अंतर्गत हनवारा थाना क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों में आज भीड़ देखने को मिली। खासकर हनवारा गिरवा नदी, नरेनी पोखर, रामकोला, गिरवा नदी, डुमरिया, गिरवा नदी में यानी 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ हुई थी। 29 अक्टूबर को छठ पर्व का दूसरा दिन खरना मनाया गया। 30 अक्टूबर को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। इस पर्व में 36 घंटे निर्जला व्रत रख छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए ये व्रत वरदान साबित होता है। यह पर्व प्रकृति के जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। आइए जानते हैं उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय और आप अपने शहर में किस मुहूर्त में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आज के दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उदयगामी सूर्य अर्घ्य का महत्व, आज छठ पूजा अंतिम दिन है। आज के दिन उदयगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती छठ का व्रत पारण करती है। अर्घ्य में सूर्य देवता को जल दूध अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से सौभाग्य बना रहता है। सूर्य को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने का असर बुद्धि पर पड़ता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। वही हनवारा थाना प्रभारी दीपक कुमार सिन्हा सभी घाटों पे पुलिस बल के साथ घूम रहे थे। मौके पर नवरत्न शर्मा, अजय कुमार भगत, गगन कुमार भगत, विष्णु रोहित कुमार यादव, राकेश कुमार, कृष्णा कुमार भगत, मिलन कुमार इत्यादि मौजूद थे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।